नमस्कार, मैं हूँ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका टाइम्स 18 न्यूज में। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज, खबर आपके मतलब की। आइए रुक करते हैं खबरों की। कानपुर से अपहृत पहुंचा साहवर थाने। कानपुर से हुआ था अपहरण, पुलिस मान रही है मामला संदिग्ध, कासगंज पुलिस करेगी जाँच। लखनऊ से तारीख कर वापस आ रहे अधेड़ का कानपुर रेलवे स्टेशन के पास से अपहरण हो जाने के बाद रविवार सुबह साहवर थाना क्षेत्र के गांव प्रतापपुर के निकट मक्का के खेत में अपराध द्वारा रस्सी खोलकर मुक्त होने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में साहवर थाने पहुंचा, जहां पुलिस अपहरण के बारे में जानकारी जुटा रही है। थाने में पहुंचे अपहृत अब्दुल खालिक पुत्र अब्दुल मलिक निवासी मोहल्ला नवाब कासगंज ने बताया कि उनका 20 बीघा जमीन का विवाद कासिम पुत्र कमरुद्दीन से चल रहा था, जिसकी 8 मई को लखनऊ में तारीख थी। लखनऊ से तारीख करके वह कासगंज जाने के लिए कानपुर में ट्रेन बदलने के लिए इंतजार कर रहा था। ट्रेन में देरी की वजह से वह चाय के होटल पर चाय पीने लगा, तभी 4 लोगों ने जबरन उठाकर कार में डाल दिया और काफी देर बाद ले जाकर एक मक्का के खेत में रस्सी से बांधकर खेत में डाल दिया। रविवार की सुबह अचानक हाथ की रस्सी खुल जाने के कारण वह मक्का के खेत से भाग निकला। फिर आज तुम सुबह कैसा छूट गए? आज ऐसा हुआ, रस्सी पीछे हाथ में खुल गए थे मेरे जी, तो मैंने पैर की रस्सी खोली जी, तो दूरे वाली नहर पे मैं पहुंचाऊं, मक्के मक्के खेते खेतों में होके लग गए। तारीख को नहीं है, तारीख करने गए थे, बहस की तारीख थी, अपील की थी, अपील की तारीख की, अब्दुल कासिम से मुकदमा चल रहा है हमारा जी। ये मतलब मिले नहीं हमें, तो हमने मतलब तहरीर दी वहाँ पर गुमसुदी की, गुमसुदी की तहरीर दी। 9 तारीख को 3:30 बजे बात हुई, ये बोले मैं आ रहा हूँ, उसके बाद मोबाइल बंद जाता रहा, हम कॉल करते रहे जी। कॉल करते रहे, आज सुबह को कॉल हमने करी, उन्होंने वकील के पास कॉल की, फिर हमने इनके पास की, उन्होंने कही मैं ऐसे ऐसे नहर की तरफ पड़ा हूँ, हम तीनों, हमारी नंद, मैं, हमारी लड़की, हम तीनों ने मतलब इन्हें देखने के लिए आई, टम्पो में बिठा लिया, लेकिन पुलिस का कहना गया कि तेरा पति नहीं है, लुगाईबाज है, पुलिस तहरीर नहीं लिख रही हमारी, आगे बस फटकार मार के हमें भगा देती है उल्टा। कासगंज से लेकर यहाँ तक बड़ी मुश्किलों में गुमसुदा की। आपने कासगंज में गुमसुदगी का मुकदमा दर्ज कराया ना? दर्ज कराया था, मैंने कहा हमारा मोबाइल नहीं है, लोकेशन पे लगा दो, उनका मोबाइल नहीं लगाया, नहीं लगाया, टहलाती रही पुलिस हमें, हमारी सुनवाई चल रही है, सड़क पे मुझे मारा, उसकी भी रिपोर्ट नहीं लिखी, 6 साल से हमारे साथ बहुत मारपीट हो रही है। और सड़क पर आकर उसने अपनी पत्नी सावरीन व अपने वकील को अपहरण होने की सूचना दी और घटना की जानकारी देने के लिए साहवर थाने पहुंचा, जहां इंस्पेक्टर को अब उसने आपबीती बताई। कासगंज से टाइम्स 18 न्यूज के लिए खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट। टाइम्स 18 न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरें पहुंचे आप तक।